हमारी बस यात्रा जिसकी शुरुआत 26 तारीख से फरीदाबाद से होनी है, जिस यात्रा का आगमन हमारे यहाँ 27 की रात को होगा, 28 की सुबह फिर दोबारा हम यहाँ से यात्रा शुरू करके पूरा संसदीय क्षेत्र, जिसमें हमारा यहाँ से फतेहाबाद जाएंगे, फतेहाबाद से रतिया, रतिया से टोहाना, टोहाना से नरवाना, नरवाना से जींद, और जींद से यात्रा आगे निकल जाएगी। तो 28 तारीख के जो मुख्य कार्यक्रम, 27 को क्योंकि रात को हम पहुँचेंगे, ये यात्रा हिसार से हमारे संसदीय क्षेत्र में एंटर करेगी, तो उसी की तैयारियों के सिलसिले में या और किस तरीके से हमारा जो जनसंपर्क अभियान है, मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी के, उनको गति हम कैसे दे सकें, बूथ पे कांग्रेस और कैसे मजबूत कर सकें, इन्हीं बातों को लेकर के आज की ये मीटिंग बुलाई है। और कल इसी मीटिंग के सिलसिले में हमारी जो यात्रा है उस सिलसिले में एक मीटिंग दिल्ली भी है। 23 तारीख को कल प्रातः 11 बजे कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड में हमारी मीटिंग होगी, और इस मीटिंग में पूरी कांग्रेस एक बस में दिखाई देगी, और उस बस से हम लोगों के बीच में और सघन जो हमारा जनसंपर्क अभियान है उसको भी कर पाएंगे, और उसके साथ साथ जो भविष्य की चुनौतियां हैं इस मुल्क के सामने, प्रदेश के सामने, उनको भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी फेस करेगी, और आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा कैसे जीते हैं उसकी मोटी रणनीति हमने तैयार की है, और रणनीति के माध्यम से अब फील्ड में एक्शन होता हुआ अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। तो प्रदेश की बर्बादी, देश की बर्बादी, असफल खट्टर और मोदी सरकार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान के हाथ को काम नहीं, ये सारे मुद्दे होंगे जो इस प्रदेश के मुद्दे हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं, जहाँ विधानसभाओं में जाएंगे हम विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की भी चर्चा करेंगे, अलग अलग जिलों के अलग अलग मुद्दे हैं, तो सभी मुद्दे प्रमुखता के साथ कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में रखेगी। मैंने कहा कि जो कांग्रेस में है वो इस बस में है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरी कांग्रेस एक बस में सवार होती है, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, संभव तो अब होने वाला है, नामुमकिन तो अब मुमकिन होने वाला है, लेकिन वो कांग्रेस करेगी, वो ये नहीं करेंगे। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया पिछले 5 साल के अंदर, केवल लोगों को झूठे वायदे किए, नारे दिए, जुमले छोड़े, अब मैं समझता हूँ कि उनको असली तरीके से प्रदेश की, देश की जनता पहचान चुकी है, और इसीलिए बदलाव का पूरा माहौल आज संपूर्ण हरियाणा और देश के अंदर तैयार है। कुछ नहीं, सब खत्म है, सब खत्म है, कांग्रेस एक है। और मैं समझता हूँ कि कभी ये तो कई बार कुछ तो मीडिया की क्रिएशन होती थी, कई बार कुछ शब्दों का हेर फेर रहता था नेताओं का, बाकी कभी नहीं, कांग्रेस एक ही थी शुरू से। नहीं, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष ना कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष होता है, वो मेंबर होते हैं, बाकी तो अध्यक्ष होता है, सब सारे अध्यक्ष का अपना रोल है, CLP का अपना है, और जो प्रदेश के दूसरे नेता हैं सबका अपना अपना रोल है। और मैं समझता हूँ कि सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो रोल जिसको दिया जाए वो उसको अच्छे तरीके से निभाने का काम करें, और वो सब निभाएंगे। कोई नाराज नहीं, किसने कहा, उन्होंने कहा क्या? कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठक में नहीं, वो तो सुबह मिल के चले गए थे, कहीं उनके जरूरी काम थे। उन्होंने खुद कहा है कि ये जो उनके विरोधी हैं, भाजपा के लोग हैं, इन लोग के लोग हैं, जजपा के लोग हैं, विरोधी इस तरह की बात फैला रहे हैं। कांग्रेस में उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, और कांग्रेस के माध्यम से आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि पार्टी उनको जो महत्वपूर्ण भूमिका है चुनाव लड़ने की वो देगी, और वो जीतेंगे भी। उम्मीदवारों के नाम कब तक? उम्मीदवारों की ये यात्रा के बाद, क्योंकि सब लोगों का देखा जाएगा, जो भी उम्मीदवार, आज 1000 से ऊपर उम्मीदवार हैं अलग अलग संसदीय क्षेत्रों का, टोटल हम मिला ले तो हजारों लोग इसमें भाग लेंगे, और जिसकी जो क्षमता है, जिसके जो जीतने के चांस हैं, विनेबिलिटी है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी उनको कंसिडर करेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में
हम वो प्रक्रिया शुरू करें। संकेत तो मिल गए होंगे सिरसा से चुनाव तैयार है। नहीं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मेरी तैयारी का मामला नहीं है, किसी और की तैयारी। पार्टी को जो उपयुक्त लगता है वही कांग्रेस का उम्मीदवार होता है। तो इस चुनाव में भी जो भी उपयुक्त उम्मीदवार हैं हर संसदीय क्षेत्र में, आज वो अपना काम कर रहे हैं और सारे चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार तय करे। नहीं, हमारे पास तो बहुत आने वाले हैं, अभी और आएंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो वहाँ गए जहाँ उनको हासिल कुछ नहीं होना है, जिनकी नैया डूबने वाली है तो डूबती नैया में बैठ के देखना ये है कि वो तैरते हैं नहीं। बीजेपी तो डूब रही है।